इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत दिखाए आगे नौ स्थान और बताए महर्षि जी और क्या बोले। चित्रकूट गिरि करहु निवास तह तुम्हार सब भांति सुभा। अत्रि आदि मुनीश्वर लोग वहां रहते हैं। तप पूर्वक बहुत सारा स्मरण भजन विध्यासन आदि करते हैं। गिरिश्रेष्ठ कामत जी को आप प्रतिष्ठा प्रदान करें प्रभु, चलें वहीं वास करें। गंगा जी की पावन धारा मंदाकिनी जी अत्रि प्रिया अनुसुया जी अपने तपबल से लाई है। कितनी तपस्या होगी हो, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। अत्रि महाराज की साधना के संहार के लिए मां अनुसुया जी मंदाकिनी जी लाई तो चित्रकूट में ही कहीं नहीं। भगवान चल पड़े, चित्रकूट आ गए। देवताओं को जैसे ही पता चला कि भगवान का मन रम गया चित्रकूट, रम वो राम मन देवन जाना थपति जाए मन दुई सारा एक लड़ी पहल हुए बर दिन जाए मन दुई सारा एक लड़ी पहल हुए एक लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचे सो हम तनु मुनि वे सजन रतिर तो मानो कामदेव बसंत और रति जी के साथ वन में वास कर रहे हों, ऐसे मेरे प्रभु श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया के साथ वन में वास कर। देवता लोग आकर भगवान के लिए दिव्य पर्ण कुटिया बना दिया। देवता क्यों? अबे देवता लोग ही ने भेजे हैं अपन को, भगवान थोड़ी आएगा। जो व्यवस्था बनाया है वही न रहने की व्यवस्था देगा। देवता लोग यहां भेजे थे तो देवता लोग कुटिया बनाए, भगवान का मन रम गया। चित्रकूट आगे प्रभु ऋषि मुनियों को पता चला। चित्रकूट रघुनंदन छाए समा आवत देख मुदित मुनि वृंदा दंडवत रघुकुल मुनि रघुबर लाए उर सफल हो नहीं तया सुखदेव
मित्री राम छप देखे जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि कर जोग जप जाग तप भगवान चित्रकूट में आ गए ऐसा समाचार सुनकर मुनि लोग संत लोग भगवान से मिलने आए। प्रभु सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। आनंद बढ़ता है, आनंद मंगल हो रहा है। भगवान माँ और लक्ष्मण जी को देखकर ऋषि मुनि गदगद हो जाते हैं, नेत्रों को धन्य मानते हैं। आहा, भगवान ने कह दिया आप लोग जाकर निज निज आश्रमों में आनंद पूर्वक रहिए, हम सब सुरक्षा देखेंगे। देखिए जीवन में एक वाक्य का बहुत महत्व है, आप चिंता न करिए हम हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपके जीवन में कोई ऐसा मिल गया तो समझिए भगवान मिल गया, आप चिंता न करिए हम हैं ना, कोई कहने वाला ही नहीं मिलता। यदि कोई मिले तो अपना सौभाग्य मानिए और उस जीव को भगवान जैसा मानिए, हम हैं ना, आप क्यों परेशान हैं, हम हैं। भगवान ने वन में आकर के यही कहा, सुग्रीव से भी कहा, सखा सोच त्याग भूबल सब विधि घटब काज में, सब प्रकार हम आपके कार्य को संपन्न करेंगे, सोच छोड़ो। सुग्रीव भगवान के कार्य में लग गए और भगवान ने उनका सब कार्य संपन्न। फिर स्मरण करिए इस बात को, जीवन में कोई आपको मिले आप चिंता न करिए हम हैं तो आप भाग्यशाली। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।